Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसमें ये मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके आने वाले पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ आवर सेकंड लेसन द चैंपियंस। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अली लेस्ट बैक विद अ हेयरमेकर बट एट द सेम इंस्टेंट His eyes caught another left hook from Gul. Ali ने एक जोरदार मुक्के के साथ वापस हमला किया, लेकिन उस लम्हे गुल ने उसे दाएं हाथ का एक और छोटा सा घूसा आंख पर रसित किया। Ali swung out Trying to clear the pain, Ali दर्द को खत्म करने के लिए झूमने लगा, लहराने लगा। In a fog, he heard the roaring of the crowd who seemed to have gone insane. धुंधलाहट में उसने हुजूम का शोर व गुल सुना, जो ऐसा लगता था कि हुजूम जो है वो जोश व जज्बात से बेकाबू हो गई है। His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. उसके हवास बजा हुए जब उसने राउंड के इख्तिताम पर घंटी की आवाज सुनी। यानी यहां पर जो है वो पोग लिखा है धुंधलाहट, तो पोग या धुंधलाहट का मतलब क्या है? पोग या धुंधलाहट का मतलब यह है कि जब किसी की आंखों पर या सर पर मुक्का पड़ता है तो सारा जो उसके आंखों या जहन का तवाजुन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अभी वही कैफियत बयान कर रहे हैं। बोंग, राउंड थ्री, फाइनल राउंड, घंटी बजती है और तीसरा राउंड शुरू होते हैं। नाउ टू अप टू नाउ इट हैड बीन प्रीटी मच इवन, अब तक मुकाबला जो है वो बराबर रहा था। यानी एक राउंड एक बंदे ने जीता था और एक राउंड दूसरे बंदे ने जीता था। बट एवरीवन नो देयर कुड बी नो ड्रॉ एंड दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर, लेकिन हर कोई जानता था कि ये मुकाबला हार जीत का है और बराबर या ड्रॉ नहीं होगा। तो अगला जो राउंड है वो विनर का फैसला करेगा, फातह का फैसला करेगा कि ये मुकाबला किसने जीता है। दिस टाइम टू अली सरप्राइज, इस वक्त अली की हैरत की इंतहा न रही। इट वॉज गुल शेर हु केम आउट पास्ट चार्जिंग अक्रॉस द रिंग, ये गुलशेर था जो कि तेजी से आया अकाड़े की तरफ से। अली ब्रेस्ड हिमसेल्फ बट कुड नॉट वार्ड अप द बैरेज ऑफ पंचेस, इस दफा अली ने खुद को संभाला लेकिन गूसों की बारिश से अपने आप को बचा नहीं पाया।
ठीक है ना, गुल ड्रो अली हार्ड अगेंस्ट द रूप्स, गुल ने अली को रस्सियों के जानिब धकेल दिया, द क्राउड गॉट पेंजीड, हुजूम पागल हो रहा था, सो पार द टू हेड पाउट विद करेज एंड ब्रेवरी, अब तक दोनों जो थे वो बहादुरी और वकार के साथ हौसले के साथ लड़े थे, अली टैप्ड हिज ग्लव्स एंड कमेंस्ड हिज अटैक अनीव, अली ने अपने दस्तानों पर हाथ पैरा और नए सिरे से हमला शुरू कर दिया, गोल थ्रोइंग बॉक्सर्स कॉशन टू द विंड जंप्ड इन टू मीट हिम, गुल ने भी बॉक्सर की हिदायत की परवाह ना करते हुए उससे मुकाबले के लिए छलांग लगाई, यानी बॉक्सर की हिदायत की परवाह ना करते हुए का मतलब यह है कि हर मुकाबले की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक बॉक्सर का एक कोच होता है दूसरे बास कुछ चीजें सिखाता है, लेकिन अभी उसने एहतियात की परवाह ना करते हुए वो भी मुकाबले में कूद पड़ा, ठीक है। बोथ बाउंडेड अवे, दोनों ने एक दूसरे पर गुसू की बारिश जारी रखी, नीदर गिव एन इंच एंड नीदर पेल टू द कैनवस, दोनों में से एक भी एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार न था और न कोई दूसरे को जिता सकता था या अपनी हार तस्लीम कर सकता था, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का कल का होमवर्क है कि आपने ये जो वर्ड मीनिंग्स है आपने इसे अपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।